हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा गेम डेवलपमेंट प्रोसेस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक गेम कैसे बनता है फ्रॉम आइडिया टू अ फिनिश प्रोडक्ट। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देख लीजिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो पाए। दोस्तों, गेम डेवलपमेंट की शुरुआत होती है ऑब्वियसली एक आइडिया के साथ, बट मैंने एक वीडियो के अंदर ये भी बोला है कि आइडिया की जो स्टैंड अलोन वैल्यू है वो कम्प्लीटली जीरो है। तो अगर आपके पास एक गेम बनाने की आइडिया है और आप एकदम एक्साइट हो जा रहे हो कि यार ये आइडिया से मैं एकदम करोड़पति बन जाऊंगा, तो वो मिसकंसेप्शन को साइड में रख दीजिए। सिर्फ आइडिया के बलबूते पर आप लाखों करोड़ों नहीं कमाओगे, आइडिया को आपको एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो एग्जीक्यूशन में कैसे कन्वर्ट करना है वही सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो बेसिकली जब आपके दिमाग में एक आइडिया आता है तो ऑब्वियसली आप एकदम एक्साइट हो जाते हो कि यार ये गेम मेरे को बनाना है और कुछ भी करके यार ये गेम यू नो पॉपुलर करना है और मैं इस आइडिया में एकदम फर्मली बिलीव करता हूँ। तो ऑब्वियसली अच्छी शुरुआत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आइडिया के अंदर बिलीव होना चाहिए, बट उतना ही काफ़ी नहीं है। जब आपको आइडिया आता है तो उस सबसे पहला स्टेप आपको करना चाहिए कि आइडिया को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए, विच बेसिकली मीन्स कि आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना चाहिए या फिर एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहिए और उसके अंदर अपनी आइडिया को लिखना स्टार्ट करना चाहिए। एंड दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। एक गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्या होता है? एक गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहता है जिसके अंदर आप अपने गेम की सारी डिटेल्स मेंशन करते हो। अब लिखना ज़रूरी है वो इस वजह से क्योंकि अगर आइडिया सिर्फ आपके दिमाग में है, जब तक आप उसको राइट डाउन नहीं करते तो तब तक उसको एक स्ट्रक्चर नहीं आता, तब तक उसकी एक बॉडी नहीं बनती, राइट? तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है आइडिया को सबसे पहले जॉट डाउन करना एक पीस ऑफ पेपर पे। आइदर आप पेपर पे कर सकते हो या फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, जो भी आप कंफर्टेबल हो, डिजिटल डॉक्यूमेंट जो भी आप कंफर्टेबल हो, राइट? एक बार आपने लिखना स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे आपके दिमाग में और आइडियाज़ आएगी, राइट? और उसको आप प्रॉपरली रिफाइन कर पाओगे। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर आइडिया, विच इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, राइट? एक GDD विच इज़ स्मॉल फॉर्म फॉर गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, वो आपको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके गेम का गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है आपने, तो यार आप कुछ बहुत गलत कर रहे हो, बिकॉज जब तक आपके पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप बार बार रेफर कर सकते हो, तब तक आपकी आइडिया हर बार चेंज होती रहेगी। बेसिकली जब तक आप गेम डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर हो, तब तक आप 100 चीज़ें चेंज कर चुके होंगे, आप किसी एक यू नो मिशन के साथ, एक विजन के साथ स्टिक नहीं रहोगे। सो दैट इज़ वाई सबसे पहली चीज़ आपको यही करना है, आइडिया को लिखो। नेक्स्ट स्टेप रहता है प्रोटोटाइपिंग। अब प्रोटोटाइपिंग एग्जैक्टली क्या होता है इसको मैंने एक अलग वीडियो के अंदर प्रॉपरली इन डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है, तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो, वो मैं डाल दूंगा कार्ड्स में या और लिंक्स में डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसको आप चेकआउट कर लीजिए। प्रोटोटाइपिंग का पूरा आइडिया आपको वहाँ से मिल जाएगा। एक बार आपका प्रोटोटाइप अच्छा बन गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? बेसिकली प्रोडक्शन के अंदर वही सारी चीज़ें होती है जो आपने प्रोटोटाइप के अंदर छोटे स्केल पे बनाई है, उसको आपको शेप देना है, उसके अंदर डिटेलिंग ऐड करनी है। यूजुअली ये जो प्रोसेस है वो सबसे लंबा चलता है इन दी एंटायर गेम डेवलपमेंट प्रोसेस। तो सबसे पहले अगर मैं सम अप कर दूँ गेम डेवलपमेंट दी एंटायर प्रोसेस, तो फर्स्ट स्टेप इज़ गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो। सेकेंड स्टेप इज़ यू नो आपका प्रोटोटाइपिंग फेस, फिर बाद में आता है प्रोडक्शन पाइपलाइन, फिर फोर्थ आता है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर आपके एड इंटीग्रेशन या फिर अचीवमेंट्स या फिर लीडर बोर्ड्स या फिर यू नो मिसलिनियस मेटाडेटा वो ऐड होता है। फिर आता है फिफ्थ आपका टेस्टिंग। टेस्टिंग में आप क्वालिटी अश्योरेंस करते हो, गेम प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं, बग्स आ रहे कि नहीं, उनको बग्स को फिक्स करना, आइडेंटिफाई करना, वो सारी चीज़ें टेस्टिंग फेज में होती है। फिर आता है आपका लॉन्च फेज। अब लॉन्च इज़ नॉट दी एंड ऑफ द स्टोरी, बट उसके ऊपर हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन स्टेज की और एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बेसिकली होता क्या है कि आपके गेम के अंदर एक स्ट्रक्चर आना स्टार्ट होता है। जो चीज़ आपने एक डॉक्यूमेंट के अंदर बनाई है, जो चीज़ आपने प्रोटोटाइप के अंदर टेस्ट की है कि ये एक्चुअल गेम मज़ेदार है खेलने के लिए, उसी चीज़ में आप डिटेलिंग ऐड करते हो, 3D मॉडल्स बनाते हो, टेक्सचर्स बनाते हो, अगर आपका 2D गेम है तो 2D स्प्राइट्स बनाते हो, उनके एनिमेशंस बनाते हो, मेन्यूज क्रिएट करते हो, एक मेन्यू फ्लो क्रिएट करते हो। तो ऑल इन ऑल जो मेन कोर काम रहता है आपके गेम के डेवलपमेंट प्रोसेस का, वो
प्रोडक्शन में होता है। प्रोडक्शन में आपकी सारी चीज़ें कवर होती है, राइट फ्रॉम योर मेन मेन्यू टू योर एंड स्क्रीन टू योर साउंड्स टू योर कोर मैकेनिक्स टू असेंबलिंग ऑल द लेवल्स। लेवल डिज़ाइन का काम होता है, उससे रिलेटेड उससे एसोसिएटेड जितने भी एसेट्स है वो क्रिएशन करने का काम होता है प्रोडक्शन के अंदर। तो बेसिकली जो भी चीज़ें आपको एक गेम फिनिश करने के लिए चाहिए वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में होती है। ये होने के बाद, प्रोडक्शन होने के बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन। अब पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है, जो भी चीज़ें आपने प्रोडक्शन में बनाई है, कभी कभार होता ऐसा है कि जो भी चीज़ें आपने प्रोडक्शन में बनाई है वो ऑप्टिमाइज नहीं रहती, राइट? क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर आपका गोल रहता है कि कुछ भी करके जल्दी से जल्दी आपकी गेम की डेवलपमेंट को आप फिनिश करो। तो जो भी चीज़ें आप प्रोडक्शन में करते हो उसको रिफाइन करने का काम पोस्ट प्रोडक्शन में आता है। अब पोस्ट प्रोडक्शन में आप सोचोगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होगी, तो ऑप्टिमाइजेशन जैसे मैंने बोला, फिर बाद में थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस में आपके एड नेटवर्क्स हो गए, या फिर आपका इन ऐप परचेसेस हो गए, या फिर आपके लीडर बोर्ड्स को सेट करना है, अचीवमेंट्स को सेट करना है, फिर बाद में स्टोर लिस्टिंग प्रिपेयर करनी है, ये आपका पोस्ट प्रोडक्शन का पार्ट हो गया। अब स्टोर लिस्टिंग के ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। स्टोर लिस्टिंग आखिर होता क्या है, जब आप एक गेम बना रहे हो तो गेम बनने के बाद और गेम लॉन्च होने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप गेम को लॉन्च कहाँ पे कर रहे हो, राइट? आप मे बी एक मोबाइल गेम बना रहे हो, मे बी एक पीसी गेम बना रहे हो, मे बी एक कंसोल गेम बना रहे हो। अब हर एक केस में सबसे क्रिटिकल चीज़ एक रहती है, आपको आइडेंटिफाई करना कि आपका गेम डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे होगा। बेसिकली आपके गेम को लोग डिस्कवर कहाँ से करेंगे, क्या वो लोग आपके गेम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करेंगे, क्या वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टेशन स्टोर से डाउनलोड करेंगे, स्टीम से डाउनलोड करेंगे, एपिक गेम स्टोर से डाउनलोड करेंगे, राइट? और हर एक ये प्लेटफॉर्म का एक सेट तरीका रहता है, एक सेट पाइपलाइन रहती है, जहाँ पे आपको मल्टीपल एसेट्स क्रिएट करने हैं, बीट इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशनल वीडियोस, प्रमोशनल स्क्रीनशॉट्स, फीचर आर्ट, आइकन्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? सो पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर आपका गेम के अंदर रिफाइनमेंट होता ही है, बट साथ ही साथ आप अपने गेम को प्रिपेयर करते हो लॉन्चिंग के लिए, राइट? तब यहाँ पे ऑब्वियसली पोस्ट प्रोडक्शन और टेस्टिंग जो है वो साथ ही साथ होती है। पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर आप अपने गेम की मार्केटिंग भी प्लान करते हो, एंड टेस्टिंग वाला जो फेज़ है वहाँ पे आप पैरेलल में टेस्ट करते हो कि आपके गेम के अंदर कुछ बग्स तो हैं या नहीं है, राइट? तो यहाँ पे टेस्टिंग फेज़ के अंदर बहुत क्रिटिकल होता है आपको यूज़र फीडबैक लेना। इसीलिए काफ़ी सारे डेवलपर्स क्या करते हैं, अपने गेम की फेजेस में टेस्टिंग करते हैं। फेजेस इन द सेंस वो अल्फा टेस्टिंग कराते हैं, फिर बीटा टेस्टिंग कराते हैं, फिर बाद में एक फाइनल सैनिटी चेक के लिए एक फाइनल टेस्टिंग कराते हैं, और वो सब होने के बाद एक बार वो कॉन्फिडेंट है कि अभी कुछ गेम के अंदर बग्स नहीं है, फिर जाके वो गेम लॉन्च होता है। अब थोड़ा बैक ट्रैक करते हैं, बात करते हैं अबाउट स्टोर लिस्टिंग, राइट? तो स्टोर लिस्टिंग को प्लान आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट दी एंड ऑफ द डे आप गेम्स बना रहे हो ऑडियंस के लिए, जो लोग आपके गेम को डिस्कवर करेंगे, जो लोग आपकी गेम को डाउनलोड करेंगे। तो जब आप स्टोर का पेज बनाते हो, इसको एक हिसाब से ऐसे सोचो कि जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है तो आप जाके गूगल के ऊपर टाइप करते हो, राइट? गूगल इज़ अ सर्च इंजन। उसी हिसाब से आपके गेम्स को डिस्कवर करने के लिए ये जो भी प्लेटफॉर्म्स मैंने बोले वो उन गेम्स के लिए सर्च इंजन्स है। इसी वजह से आपकी गेम का जो डिस्क्रिप्शन रहता है, आपकी गेम की जो आइकन रहती है, आपकी गेम के अंदर के जो टाइटल रहते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहता है, वो आपको केयरफुली प्लान आउट करना है और उसको रेलेवेंट कीवर्ड्स के साथ भर देना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, मिसलीडिंग कीवर्ड्स नहीं डालने। अगर आपका गेम एक रेसिंग गेम है तो वहाँ पे शूटिंग वाले कीवर्ड्स डालने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रॉम अ यूज़र पर्सपेक्टिव अगर कोई बंदा शूटिंग गेम के लिए सर्च कर रहा है तो उसके लिए रेसिंग गेम रेलेवेंट नहीं होगा। तो इसके ऊपर और डिटेलिंग रहती है, और चीज़ें इसमें ऐड करने जैसी है, बट फिलहाल इन अ जिस्ट बेसिकली आपको स्टोर लिस्टिंग एकदम सही से क्रिएट करनी है, ताकि आपका गेम कहीं ना कहीं पे जो टारगेट ऑडियंस तक रीच करना चाहता है उनको रीच करे। ये होने के बाद गेम लॉन्च हो जाता है, राइट? आपने स्टोर लिस्टिंग बना दी, सब सही है, टेस्टिंग वगैरह हो गई, अब आपका गेम हो गया लॉन्च। यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती, लॉन्च होने के बाद असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अभी तो आपने डेवलप किया, पूरा गेम बना के रेडी रखा, यूज़र्स के लिए एकदम प्रॉपरली क्रिएट कर दिया, टेस्टिंग वगैरह कर दी। अब बात आती है मार्केटिंग की, यहाँ पे मार्केटिंग जो रहता है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रहता है, क्योंकि गेम तो आपने बना लिया
अब गेम को खेलने के लिए कौन आने वाला है? प्रॉपर एंड यूजर्स, राइट? तो आपको अपने गेम की एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, लोगों तक गेम को पहुंचाना पड़ता है, और ढेर सारा पैसा कभी कभार खर्चा करना पड़ता है या फिर रेलेवेंट एफर्ट्स डालने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपका गेम अपने सही टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे। यहाँ पे बहुत क्रिटिकल होता है अच्छी तरीके से आपके गेम की मार्केटिंग करना, बिकॉज अगर आपने मार्केटिंग नहीं की तो फिर आपका गेम जो एकदम क्राउड में कहीं ना कहीं पे लूज आउट हो जाएगा, बिकॉज ऑन अ डेली बेसिस कितने सारे गेम्स लॉन्च होते हैं, तो आपके गेम में क्या खास बात है, आपका गेम लोग क्यों खेलेंगे, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं, एंड उनको आंसर करने के बाद उनके रेलेवेंट आपको एक्शंस लेने हैं, राइट? तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और साथ ही साथ एक बार गेम लॉन्च हो गया उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि ओके यूज़र का फीडबैक आ रहा है, यूज़र बोल रहा है कि हमको ये गेम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है या फिर ये लेवल थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो यूज़र फीडबैक के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि यूज़र्स आपको बताएंगे आप अपने गेम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, और वही सबसे ब्यूटीफुल बात है दोस्तों गेम डेवलपमेंट की, कि जो भी आपको चीज़ें इम्प्रूव करनी है यूज़र्स सामने सामने आपको बताएंगे। ऑफकोर्स एकदम वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फीडबैक रहता है, कोई कोई फीडबैक पॉजिटिव रहते हैं, कोई कोई फीडबैक नेगेटिव रहते हैं, कोई कोई यूजर्स ऐसे बोल देंगे वर्स्ट गेम एवर, तो यार डीमोटिवेट मत हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो लो और उसी हिसाब से अपने गेम को इम्प्रूव करते जाओ। सो दोस्तों ऑल इन ऑल इन दिस एंटायर वाइड स्पेक्ट्रम यही है द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ गेम डेवलपमेंट। लॉन्च होने के बाद आपको कंटिन्यूसली मार्केट के साथ कॉन्टैक्ट में रहना है, यूज़र्स का जो पर्सपेक्टिव है वो ध्यान में रखना है, और उसी हिसाब से अपने गेम को मॉडिफाई करते करते ट्वीक करना है ताकि आप अपने गेम को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव कर सको। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो के थ्रू पूरा गेम डेवलपमेंट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया, ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाऊँ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं बोलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।